हेलो, वेलकम टू IMS। आज हम यहाँ कर रहे हैं रेलवे इंजीनियरिंग, है ना। रेलवे इंजीनियरिंग अपना ट्रांसपोर्टेशन की हमारे सेकंड लास्ट यूनिट है, ठीक है। रेलवे इंजीनियरिंग में ज़्यादा कुछ नहीं है, टोटल थ्योरी है इसमें। देखा जाए तो अपने को थ्योरी देखनी, थ्योरी पढ़नी है, थोड़ा बहुत समझने का काम है इसमें, बाकी लगभग पूरा पूरा थ्योरी का काम ही है ना। ये कैसे होता है ये अपन देखेंगे यहाँ पे। तो रेलवे के अंदर अपनी मेन चीज होती है, एक तो रेल होती है, सीधी बात है, रेलवे तो रेल मेन होगी। उसके अंदर जो अपने गेज मेन होते हैं, उसका सिलेक्शन मेन होता है, गेज कहाँ पे किस तरह से, और जो ऊपर नीचे मतलब वहां पे सारी चीज, टोपोग्राफी सब कुछ आता है ना, वो आता है। सबसे पहले बता दो गेज क्या होता है, जिस टॉपिक को आदमी स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या होता है। गेज होता है कि हमारा एक यहाँ पे रेल होती है अपनी, एक ना ये एक लाइन्स होती है अपनी, रेल लाइन्स होती है ये मान लो यहाँ पे आयन की आई सेक्शन की भी होती है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा अपना होती है, तो यहाँ पे ये अपनी स्लीपर्स होती है भाई, अपन को पता है जो यहाँ पे होती है, ये तो स्लीपर्स होती है, ये अपनी रेल लाइंस होती है, ठीक है। अब जो गेज होता है, गेज जो होता है ना, वो इनके इनर डिस्टेंस, मतलब यहाँ एक दो रेल के बीच में जो बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, इनर डिस्टेंस, उसको अपन बोलते हैं गेज, ठीक है। गेज अपने तीन टाइप के होते हैं, जो डिपेंड करते हैं अपने ट्रेनों ट्रेन्स के ऊपर, है ना। तो अपने ग्रेज होते हैं ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज, ठीक है। जैसे चार होते हैं स्टैंडर्ड गेज होते हैं, लेकिन उसके उसका नहीं, अपन इन तीनों को पढ़ेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड गेज मैं ऐसे बता देता हूँ ऊपर ऊपर से। स्टैंडर्ड गेज वो होते हैं जो मतलब लगभग 60% अपने यूज आते हैं वर्ल्ड के अंदर, 60% स्टैंडर्ड गेज यूज आते हैं। वो ये 1400 या फिर 1200 mm से आते हैं। अपन देखेंगे अभी हमें ब्रॉड गेज देखेंगे। अब ब्रॉड गेज क्या होता है, ब्रॉड गेज होता है ये होता है मोस्ट यूज्ड गेज इन इंडियन रेलवे। द डिस्टेंस बिटवीन टू रेल्स इन वन वन वो 1676 mm या 5 feet 6 inches, है ना। अब ये बोल रहा है जो ब्रॉड गेज होता है ना, अपने ब्रॉड गेज होता है वो आजकल में है, हर जगह देखा जाता है ये ब्रॉड गेज। यहाँ पे इसकी जो ब्रॉड गेज है वो हर जगह बिछी हुई है, मतलब इनके जो बीच की डिस्टेंस होती है ना वो 1 meter, यहाँ पे इतनी मीटर अपनी डिस्टेंस होती है उसकी, एमएम में उसको 1676 mm बोल सकते हैं उसको, और फीट के अंदर देखो 5 feet और 6 inches होती है वो, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस। ये अपनी फर्स्ट पहली जो बिछी थी ना, वो बिछी थी पोरबंदर से लेके थाने तक बिछी थी, वो 1853 में बिछी थी वो अंग्रेजों के टाइम पे, ठीक है। ये मोस्ट यूज्ड अपने इस टाइम पे है ना, सबसे मोस्ट यूज गेज रही है। और ये जरूरी इसलिए होता है क्योंकि जो ग्रेज होती है ना अपनी, ये ब्रॉड गेज होती है, वो हैवी लिफ्टिंग कर सकती है। ब्रॉड गेज में ट्रेन जो चलती है ना, वो ट्रेन हैवी लिफ्टिंग के लिए होती है कि भाई अपनी मालगाड़ियां होती है या जो एक्सप्रेस होती है, मतलब इनमें फास्ट चलती है गाड़ियां, हैवी लिफ्टिंग फास्ट होती है। और ये ब्रॉड गेज की वजह से इनके ऊपर बैलेंस सही बनता है कि भाई जितना कम स्पेस होगा ना गाड़ी का पलटने का उतना ज्यादा, वो जितना ज्यादा स्पेस होगा बीच के अंदर गाड़ी को बैलेंस उतना अच्छा सा मिलेगा। तो ये ब्रॉड गेज अपनी इस काम आती है। दूसरा अपना होता है मीटर गेज। मीटर गेज से नाम से पता चल रहा है इनके बीच की डिस्टेंस जो होती है ना उस पर 1 meter की डिस्टेंस होती है, जिसको अपन 3 feet 3 inches भी कहते हैं, ठीक है। ये अपने डिस्टेंस ये होती है, ये आजकल बहुत कम दिखाई देती है, बहुत कम हमारे साइड भी यहाँ बगल में ही रहती है, लेकिन अभी हटा के उसको ब्रॉड गेज में चेंज कर दिया गया है, ठीक है। आजकल जितनी भी अपनी जो भी है मीटर गेज की, वो आजकल उनको हटा हटा के ब्रॉड गेज में चेंज कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि अपने जो आजकल की जो ट्रेन आती है ना, वो ज्यादातर वो ब्रॉड गेज के हिसाब से बनती है, तो वो जो ट्रेन है वो हर जगह जा सके, इस हिसाब से उसको ब्रॉड गेज किया जाता है। यहाँ पे हर एक गेज को अपन ब्रॉड गेज में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज होती है। अब ये सारे के सारे चेंजेस, लास्ट अपना आता है नैरो गेज। अब नैरो गेज जो होती है वो सबसे छोटी अपने, मतलब इनकी डिस्टेंस सबसे कम होती है, इन तीनों में सबसे कम इसकी डिस्टेंस होती है 762 mm की डिस्टेंस ही होती है बस इन दोनों इनके बीच में, बहुत छोटी होती है ये नैरो गेज। एक तरह से ये देखा जाए तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है आजकल। ये आपको जगह भी मिल जाए हिमालयाज पे या फिर ऐसी जगह साइट सीइंग वाली जो बचती है ना, वो ट्रेन जो स्टीम इंजन वाली होती है वो ही बच गई है आजकल इनकी। ये रही स्मॉलेस्ट गेज होती है, बहुत कम है, मतलब बहुत ही कम है, बिल्कुल एकदम खत्म हो चुकी है बिल्कुल ये। यहाँ पे ये होता है अपना नैरो गेज। जो गेज मतलब टाइप्स ऑफ गेज है ना, वो डिपेंड करता है बीच के डिस्टेंस पे। तो पहला अपना क्या था, 1.67 meter था। दूसरा अपना कितना, 1 meter की जो मीटर गेज पे दिख रहा है। तीसरी अपनी है 762 mm की, ठीक है, जिसको अपन 0.72 meter भी कह सकते हैं।
ये अपनी होती है, यहाँ पे गेज का होता है। अब ये तो अपने देख ले टाइप ऑफ गेज। अब अपन एक रोड होती है, सॉरी एक कहीं पे अपने को बिछानी है, तो अपन किस हिसाब से मतलब उसका सिलेक्शन क्या करेंगे, कौन सा गेज अपने को यूज करना है, कौन सी जगह पे कौन सा गेज यूज करना है, वो अपन कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। उसमें क्या है, अपने कुछ पॉइंट्स होते हैं, अपने यहाँ पे 7 पॉइंट्स मैंने लिखा है, उन पॉइंट्स के ऊपर अपनी डिपेंड करती है कि कौन सा गेज किस टाइम पे कौन सा गेज यूज करना है, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, फंड्स अवेलेबल फॉर द रेलवे प्रोजेक्ट्स। अब कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन और फंड्स अवेलेबल रेलवे प्रोजेक्ट्स, ये इसका कहने का मतलब है कि अपने गवर्नमेंट ने कितना पैसा दिया है रेलवे बनाने के लिए। अब ये डिपेंड कर सकता है बहुत सारी चीजों के ऊपर, है ना, कि भाई अपने पास खाली ट्रेन्स पड़ी है, सपोज अपने पास है ना अपने स्टेशन पे ऐसी जैसे कि ब्रॉड गेज वाले, सॉरी अपने पास 1 मीटर की गेज है, मीटर गेज वो स्टेशन पे बहुत सारी है, और अपने को इस तरह से कॉस्ट दिया गया है कि भाई अपन या तो अपन ट्रेन्स खरीद सकते हैं, या फिर मतलब ट्रेन्स का प्रोडक्शन हो सकता है, या फिर पटरी बिछ सकती है। तो अपन क्या करेंगे, अपन इनके ऊपर देखेंगे भाई अपने पास क्या है, 1 मीटर की अपने पास ट्रेन है, तो अपन मीटर गेज बना देंगे हर जगह, है ना, कि भाई मीटर गेज में चेंज, मीटर गेज बना देंगे, वो होता है अपने कॉस्ट ऑफ कैसे फंड्स ऐसे होता है, ठीक है। अब वॉल्यूम एंड नेचर ऑफ ट्रैफिक, अब नेचर ऑफ ट्रैफिक के ऊपर डिपेंड करता है, भाई ऐसा तो नहीं कि भाई अपना सिर्फ हाईवे का ही ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक रेलवे का भी ट्रैफिक होता है, तो उसके वॉल्यूम के ऊपर भाई कितना वॉल्यूम है और क्या नेचर है ट्रैफिक का, उसके इसके ऊपर डिपेंड करता है अपना ये। अब पॉपुलेशन कैसे होती है कि भाई अपना मान लो कि जैसे जयपुर ही मान लो, जैसे कि अभी हमारे आस पास में यहाँ पे पहले मीटर गेज थी, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन अभी कम थी, हमारी साइड में बहुत कम थी पॉपुलेशन, लेकिन अब पॉपुलेशन बढ़ गई है, इसकी वजह से यहाँ पे अपने को मीटर गेज से ब्रॉड गेज में इसको चेंज करना पड़ा। क्यों चेंज करना पड़ा भाई, अपने को थी अपने पास पॉपुलेशन कम थी तो ट्रेन में लोग कम बैठते थे, तो उसका मतलब उसमें ओवरलोडिंग नहीं होती थी। अब पॉपुलेशन बढ़ गई है, ओवरलोडिंग होने लग गई थी, एक दो महीने दिख रहा था ओवरलोडिंग हो रही है, तो उसकी वजह से वहां पे उसको हटा के टाइम लगा, कम से कम 2-3 साल लगे, वहां पे ब्रॉड गेज लगा दी उधर। वो होता है अपना इंटेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। दूसरा है इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल डेवलपमेंट ऑफ द लोकेलिटी। अब ये चीज भी हमारे साथ डिपेंड करती है, हमारे साइड डिपेंड क्या मतलब, हर जगह जगह के हिसाब से डिपेंड करती है कि भाई हमारे साइड यहाँ पे है, हमारे पास जैसे लोहा मंडी इधर, अब एक नई लोहा मंडी और बन गई, तो उन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि भाई यहाँ पे ट्रेन मतलब इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल, भाई अपने यहाँ पे वो दुकानें खुल गई या फिर इंडस्ट्रीज खुल रही है इधर, तो उसकी वजह से नई नई चीजें अपने मतलब मंगवानी पड़ेगी, तो उसकी वजह से वहां पे रेलगाड़ियां चालू कर, मतलब मालगाड़ी चालू करने, मालगाड़ी के लिए अपने हैवी माल के लिए अपने ब्रॉडगेज बनवा दिया, वापस वो चीज हो गई। दूसरा अपने पास प्रोस्पेक्ट ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ द एरिया। अब ये चीज अपनी एक जगह हर जगह देखा जाता है, ये चीज आजकल है ना, ये ऐसा है कि भाई अपने एक कोई एरिया है, कोई भी एरिया है, अब वहां पे ऐसा तो है नहीं कि भाई उधर हमेशा एक ही चीज बहती रहेगी, भाई अपने यहाँ पे पॉपुलेशन कम थी तो इसका मतलब ये थोड़ी कि भाई हमेशा कम रहेगी, या फ्यूचर आया फ्यूचर में पॉपुलेशन बढ़ गई, सेम चीज होती है भाई फ्यूचर के हिसाब से देख के चल सकते हैं अपन, भाई फ्यूचर का जैसा जैसा डेवलपमेंट हो रहा है एरिया का फ्यूचर के अंदर, वैसे वहां से ब्रॉडगेज से नैरोगेज या सॉरी नैरोगेज तो आएगी नहीं, मीटर से ब्रॉडगेज में चेंज होती जा रही है, तो वो होता है फ्यूचर एक्सपेक्टिंग। अब टोपोग्राफी एंड जियोलॉजिकल फीचर ऑफ कंट्री, ये टोपोग्राफी, अब कंट्री का टोपोग्राफी कैसी है, मतलब उस जगह की टोपोग्राफी कैसी है, उसके जियोलॉजिकल फीचर्स कैसे हैं, कि भाई वो मीटर गेज में चलने वाली ट्रेन के वजन को सहन कर सकती है कि नहीं कर सकती, वहां पे उसको ठोस जगह मिलती कि नहीं मिलती, वो अपना टोपोग्राफी वहां पे चेंज करती है, ठीक है। अब स्पीड ऑफ मूवमेंट रिक्वायर्ड, अब यहाँ पे क्या है, अपने को ऐसा है नहीं कि भाई सिर्फ हैवी वेट झेलने के लिए हो, भाई मूवमेंट भी चाहिए, भाई अपने को कितनी स्पीड पे जाती है, अपने जो एक्सप्रेस है सुपर फास्ट है वो स्पीड पे जाती है, वो सारी ब्रॉडगेज की होती है, जो भी मैंने आज तक देखी है ना वो सारी ब्रॉडगेज की होती है, जो अपने सुपर फास्ट हो ये मीटर की वो उस पर जाती है, ठीक है। तो उन चीजों पर डिपेंड करता है कि अपना गेज अपने को कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए। तो आज की वीडियो में अपन ने आज ये देखा कि भाई अपने टाइप्स ऑफ गेज देखे और अपने सेक्शन सिलेक्शन देखा गेज का कैसा होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे, अलाइनमेंट्स देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आज के लिए थैंक यू वेरी मच।